नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइव। आज के इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी हार कर यहां पर बड़ी जीत मिल सकती है भाजपा को, और भाजपा बड़ा तोहफा देने की तैयारियों में जुटी है गुजरात के लोगों को। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने गृह राज्य पहुंचे। यहां उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान केंद्र सरकार के 8 साल के कामकाज गिनाए तो इशारों में कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 70 साल तक जिन लोगों ने सबसे अधिक शासन किया, उन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ों और मूलभूत सुविधाएं देने का काम नहीं किया, क्योंकि उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। पीएम मोदी ने कहा कि 3,000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स से नवसारी, तापी, सूरत और गुजरात के दक्षिण के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना आदिवासी और पिछड़े इलाकों के विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिन लोगों को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं। इस तरह से लग रहा है कि यहां पर भाजपा ने चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिससे साफ है कि कहीं ना कहीं गुजरात में अब बीजेपी की सत्ता होगी और कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल का भी नाम सामने आ सकता है गुजरात की सत्ता में। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।